कि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होगा तालिबान। इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं। तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है, दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारतीय राजदूत ने तालिबान के राजदूत को गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेज दिया है। अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इवन के अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? और यही वजह है कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता है। बता दें कि इन दिनों तालिबान बार बार भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा। वैसे अब पूरी दुनिया देख रही कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए खजाना खोल रखा है। बल्कि तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से भी एक खास तोहफा अयोध्या के लिए आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान की फेमस नदी काबुल नदी, जिसे वहाँ की भाषा में कुबा भी कहा जाता है, उस नदी का जल प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए भेजा गया है। लेकिन तालिबान का ये थैंक यू पाकिस्तान को मिर्ची जैसा लगता है। यूएई में भारत के एम्बेसडर संजय सुधीर ने वहाँ तालिबान सरकार के राजदूत बदरुद्दीन हक्कानी और उनकी पत्नी को गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया है। इसी अयोध्या में मंदिर को लेकर पाकिस्तान में कई सालों से पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी जनता को पागल बना रही थी कि इंडिया में मुस्लिम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अब एक और न्यूज निकल कर आ रही है, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिया अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाता है और दुनिया के हर देश में इंडिया के दूतावास की तरफ से अपने करीबी दोस्तों को न्योता भेजा जाता है। यूएई में भी इंडियन दूतावास ने अफगानिस्तान तालिबान को इन्विटेशन भेजकर दुनिया को चौंका दिया है। ये चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट तालिबान की है और पूरी दुनिया ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। ऊपर से पाकिस्तान के रिश्ते भी अफगान तालिबान के साथ अच्छे नहीं है। जो भी पाकिस्तान में हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया को या फिर अफगानिस्तान को ब्लेम करता है। अब यूएई में इंडियन एम्बेसडर ने तालिबान को इन्विटेशन देकर पाकिस्तान को एक और मैसेज दे दिया है। वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प करता रहता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो। इंडिया ने अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, मगर समझने वाले तो समझ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो नेबर्स हैं, एक अफगानिस्तान है, एक चाइना है, एक इंडिया है, एक ईरान है। चाइना के साथ तुम्हारे कुछ बेहतर हैं ना, हमारे अफगानिस्तान के साथ ठीक है ना, हमारे इंडिया के साथ ठीक है ना, हमारे ईरान के साथ ठीक है। अगर अदर साइड पे बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है। और एक साइड पे हम कहते हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं या मुसलमान कंट्रीज़ के खिलाफ हैं, और अदर साइड पे देखा जाए तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक भी रखता है। अफगानिस्तान तालिबान इस्लामिक स्टेट बनाई हुई है, इस्लामिक रूल्स बनाए हैं, तो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे बेहतर हैं? यार देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले जो है ना बरसगीर पाक इनके अंदर पाकिस्तान और जो इंडिया है ना वो एक ही होते थे। अब पाकिस्तान ने जो है इंडिया से आज़ादी हासिल की हुई है, यानी कि इंडिया का पहले पार्ट होता था पाकिस्तान, ठीक है, उससे अलहदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है या पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी हासिल की है? ब्रिटिश पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी बरसगीर पाक और इनके अंदर, तो उसके बाद जो है वो ये दो मुल्क बन गए, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप देखें, आप एक किसी भी एक घर में रहते हैं, आपके हमसाए हैं, आपके हमसायों के साथ ताल्लुक नहीं ठीक होंगे तो आप जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सर्वाइव नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि तालिबान की जो हुकूमत है वो इंडिया के साथ बड़े उनके रिलेशंस बेहतर हैं, इंडिया वालों ने अभी उनको वीट भी भेजी है 20,000 मैट्रिक टन अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान वाले इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे रख सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता? अच्छा, वैसे बेहतर तो उनके भी नहीं है तो उनके साथ, लेकिन इंडिया कोशिश करता रहता है कि हमारे बेहतर हो जाए, पाकिस्तान कोशिश ही नहीं करता कि हमारे बेहतर हों, ये बिगाड़ने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तानी इंडिया पे क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं? और सर ये देखें, कमज़ोर बंदा क्या करेगा, अब वो गालियों के अलावा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा, वो उसने सिर्फ गालियाँ निकालनी हैं। और जो वो इस तरह वो सर ताकतवर लोग हैं, वो उन्होंने सबके साथ मिल के एक अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, तो ये पाकिस्तान में बस गालियों के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कमज़ोर बंदा वो गालियाँ निकालेगा, खुश हो जाएगा। उन्होंने तक गंदम और आटे के लिए लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता या अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है?
तो इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं, तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है। दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया हमारा भी दुश्मन है और फिर तालिबान के साथ भी हमारी जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है। अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर, विशेष सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो इसे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मतलब कहना क्या चाह रहे हो। इंडिया कोशिश करता रहता है कि हमारे बेहतर हो जाए, पाकिस्तान कोशिश ही नहीं करता कि हमारे बेहतर हो। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे सामने हमने आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली थी, हमने नहीं बांधी हुई, बल्कि रियासत हमें वो चीज़ दिखाना ही नहीं चाह रही। हमें जब हम कश्मीर की फुटेज देखते हैं तो मुझे लगता है वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीर में भी, तो हमारा यही ब्रेन जहन बना होता है कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हर वक्त पुलिस वाले मार रहे होंगे। अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इवन के अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? आज के जदीद तकाज़ों को हमें फॉलो करते हुए रिवायती बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज की जदीद दुनिया में अगर देखा जाए तो इकनॉमिक वार ही चल रही है, तमाम ममालिक जो खुशहाल हो चुके हैं उनके पीछे राज भी यही है, उन्होंने अपने दरवाजे और बॉर्डर खोले हैं। तो इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं, जिस तरह से बाकी दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं, तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, और हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमने ठेका उठाया हुआ है सारे पूरे मुस्लिम कंट्रीज़, हाँ पूरी उम्मत का ठेका हमने लिया हुआ है, और हमारे पास इवन है भी कुछ नहीं, ठेकेदार हैं किसके, ठेकेदार की झोली आपने खा ली। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी तरह से बात देखें, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इंडिया अब वर्ल्ड फिफ्थ इकोनॉमिक टॉप है, और ये तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमारा फायदा भी करेगा वो बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही है, दुनिया इंडिया को प्रायोरिटीज़ में रख रही है, तो हमें भी कबूल करना होगा, हमारा हमसाया है, हमें उससे बेनिफिट लेने चाहिए, फिर हमारी आवाम का फ़ायदा है इसमें, आवाम का फ़ायदा भी इसी में है। अगर वहाँ से जो वीट आती है पाकिस्तान, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं पाकिस्तान, ये 30 मिनट का बॉर्डर है, उधर से आती हैं तो जो चीज़ यहाँ पर प्याज 300 का मिल रहा है वो 30 रुपये का मिले, जो टमाटर है वो 10-15-20-30 यहाँ की वहाँ की सब्जी है, और यहाँ पर 300-400-500 चाहे हमें डबल ट्रिपल टैक्सेस देने की, हमें इंडिया का बॉर्डर खोल देना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है, आवाम का फायदा है। देखें अगर देखा जाए, आवाज़ आवाम की बने हुए तमाम हमसायों में अगर देखा जाए, हम हालात हमारे ही बुरे हैं, तो हमें ही लोगों के साथ ताल्लुक बनाने होंगे, ना कि हमें रिवायती तरीक़ाकार को, रिवायती बातों को और खाम खा की बातों को जो हमसे ब्लंडर हुए हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ना है, बल्कि उनको स्किप करें, मुल्क और आवाम का सोचिए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। आप मुझे बताएं कि तालिबान और इंडिया के अगर रिलेशन बेहतर हैं तो कैसे बेहतर है, इंडिया उनको जो भेज रहा है और तालिबान जो उनका शुक्रिया बोल रहा है? सर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पॉलिटिक्स नहीं है उन दो कंट्रीज़ के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स जो चल रही है, जस्ट वो खाना जंगी होती है, मईशत के ऊपर इनके सवाल उठ रहे होते हैं, कभी क्या उठ रहा होता है, कभी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट बैंक उठा लेते हैं, कभी पाकिस्तानी पीडीएम जमात हो गई या पीटीआई हो गई, ये इस तरह का कोई फेस पैदा कर देते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके, तो ये हाँ इस तरह इनका। और बाकी रहेगी बात अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों उठाया, अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म होता है, कश्मीर पर जुल्म होता है, अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने जो आप पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।